Mohammad Waleed Anjum, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss intrinsic and extrinsic semiconductors. Student, intrinsic or extrinsic semiconductors क्या होते हैं? Semiconductors के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. A semiconductor in its pure form is called intrinsic semiconductor. और जो electrical behavior of the semiconductors होता है वो typically depend करता है उसकी purity पर. यहां मैं ये बात लिख भी लेता हूं कि जो electrical behavior है of semiconductors depend upon purity. Student, जो intrinsic semiconductor है, अगर हम उसकी बात करें, जिसकी example हम अगर लिखें, तो हमारे पास उसकी example में है silicon या germanium, जो हम बहुत typically इस्तेमाल करते हैं, fourth group के ही elements हैं, इनके हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तादाद में चार होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करते हैं, एक आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, और हर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और वो स्टेबल हो जाता है. जैसे इसकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम यहां पर देख सकते हैं कि ये एक सिलिकॉन का एटम है, इस सिलिकॉन के सराउंडिंग रीजन में जो अदर एटम्स हैं, सिलिकॉन इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4. इस सिलिकॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अदर सिलिकॉन के साथ शेयर किया, इस सिलिकॉन का एक, इस सिलिकॉन का एक, इस सिलिकॉन का एक, और इनके दरमियान में ये दो देखें, ये बॉन्डिंग जो है ये हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग बन गई, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके आउटर हर एक के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखेंगे तो वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे होंगे अगर हम उनको काउंट करें तो रिजल्ट क्या होगा कि हम कहते हैं कि ये एक स्टेबल स्टेट होती है, और हम इस स्टेट के अंदर अगर कुछ कंडक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें इस सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगी, और जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डॉपिंग. डॉपिंग बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स इनटू प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम, और ये जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसकी रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:10^6 एटम्स, ये हमारे पास डॉपिंग की जो वैल्यू है. और जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी कोई अदर एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, वो इम्प्योर हो जाता है, और इस इम्प्योरिटी की वजह से हम उसको फिर नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. The addition of impurity atoms into pure silicon or germanium makes it impure. Such type of semiconductors are called extrinsic semiconductor, और अब हम इन्हें क्या नाम देते हैं,
ये हमारे पास फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाती है। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं स्टूडेंट, इनकी दो टाइप्स हैं जिनको हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहां पर हम लिखेंगे इसकी टाइप्स, जो कौन कौन सी हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, कहता है अगर प्योर सिलिकॉन एटम के अंदर हम जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो पेंटावेलेंट हो। पेंटावेलेंट लफ्ज से क्या मुराद है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इस इंप्योरिटी को हम सिलिकॉन के अंदर ऐड करते हैं तो स्टूडेंट सिलिकॉन के पास कितने एटम इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, और इसके पास कितने हैं, 5। तो सिलिकॉन के 4 और जो हमारे पास इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के 4 होंगे, ये तो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे शेयरिंग की वजह से, और एक इलेक्ट्रॉन इस इंप्योरिटी एटम का एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिस बुनियाद पर हम इस इंप्योरिटी को क्या नाम देते हैं, डोनर एटम्स। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अभी इनके पास एक्स्ट्रा है जो ये किसी को फर्दर डोनेट कर सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसी तरह से हम ये कहते हैं, पॉइंट हम लिख भी लेते हैं, 4 सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स। इंप्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन्स मेक कोविलेंट बॉन्ड, वो एक कोविलेंट बॉन्ड बना लेते हैं शेयरिंग की वजह से, और उस इंप्योरिटी की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ इंप्योरिटी, ये स्टूडेंट हमारे पास 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, यहां पर हमारी बुक में जो एग्जांपल कंसीडर की गई है उसमें हमने फास्फोरस को कंसीडर किया है। स्टूडेंट ये एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये फास्फोरस है, ये इंप्योरिटी है, ये हमने सिलिकॉन के अंदर ऐड की है। अब स्टूडेंट फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां पर हिंट पॉइंट के लिए लिखने लगा हूं 5 इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4, 4, 4, 4, इन सब के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो गौर तलब है वो ये है कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, 1, 2, 3, 4, और ये एक एक्स्ट्रा 5। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स 5 रेड डॉट्स लगा दिए, क्यों, क्योंकि अगर हम इस फास्फोरस के सराउंडिंग में या नेबरिंग एटम्स को देखें वो तो सिलिकॉन के एटम्स है, तो हर सिलिकॉन का मतलब इस सिलिकॉन का जो एक है वो इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, इस सिलिकॉन का एक इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, इस सिलिकॉन का एक बॉन्डिंग बना लेगा, इस सिलिकॉन का एक बॉन्डिंग बना लेगा, और इसी तरह से हर सिलिकॉन एटम इसके साथ एक एक बॉन्डिंग बना के इसके 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के और 4 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन के, ये आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर ये हम देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा है। इस एक इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा होने की वजह से स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास फिर ये जो इंप्योरिटी है ये डोनर है, ये डोनर एटम है, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इसके पास है ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर होता है, और इसके जरिए से फिर कंडक्शन की जा सकती है,
और इसको हम कहते हैं कि थर्मली एक्साइट करके इस कंडक्शन को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक जनरल सा रिजल्ट है जिसमें हम ये कहते हैं, ये यहां पर रुके नहीं है, ये सिलिकॉन एटम फर्दर जो आगे सिलिकॉन के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि ये इस डायग्राम से हमें जो बात समझ आती है कि हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो लिहाजा इस तरह की सब्सटेंसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या था, नेगेटिव था। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास डिस्कशन है कि इसकी एन टाइप सेमीकंडक्टर की। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट की, वो है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और स्टूडेंट, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इसके लिए हम लिखते हैं कि व्हेन अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम पी टाइप मटेरियल्स आर फॉर्म्ड या सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, उसके लिए हम ये बात जानते हैं कि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन। और तीन इलेक्ट्रॉन अगर उस इम्प्योरिटी के हैं और सिलिकॉन के चार हैं, तो सिलिकॉन के तीन उस इम्प्योरिटी के तीन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे और उस इम्प्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या कमी है, जिसकी वजह से वहां पर एक होल प्रोड्यूस हो जाता है। और उस होल की वजह से हम ये कहते हैं कि वो वैकेंसी ऑफ द या डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी बुनियाद पर फिर फर्दर हम उसको पी टाइप मटेरियल का नाम दे देते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की जो एग्जाम्पल हैं उसमें हमारे पास एल्यूमिनियम है, गेलियम है, इंडियम है, बोरोन है। तो स्टूडेंट, ये हम लिख भी लेते हैं, देखिएगा। जी, अब इसकी मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये हमारे पास स्टूडेंट थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। Having three valence electrons। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि तीन इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स और तीन इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे और एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ये डायग्राम हम देख सकते हैं। ये एल्यूमिनियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन हैं, सिलिकॉन के पास चार, 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 चार। देखिएगा स्टूडेंट, एक ही सिलिकॉन का और एक एल्यूमिनियम का एक बॉन्डिंग बन गई, एक ही सिलिकॉन का एक एल्यूमिनियम का एक बॉन्डिंग बन गई, एक ही सिलिकॉन का एल्यूमिनियम का बॉन्डिंग बन गई। तीन सिलिकॉन जो नेबरिंग सिलिकॉन है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन की इस एल्यूमिनियम के साथ शेयरिंग हो गई। और अभी इस एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर अब एक डेफिशिएंसी है क्योंकि इसके तीन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं ये एक होल बन गए। और स्टूडेंट, इस होल को कवर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल से किसी दूसरे सिलिकॉन के एटम्स जो हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन ने जब इस होल को कवर करना है
तो वहां पर एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा और उस होल को कवर करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये प्रोसेस हम कहते हैं स्टार्ट हो जाता है और हमारी कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या नाम देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं, और इनको हम यूजुअली एक्सेप्टर एटम्स भी बोलते हैं। क्यों एक्सेप्टर एटम्स बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को जिनकी इनके पास कमी होती है। एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, जिसकी बुनियाद पर हमने कहा कि इसके पास एक होल है, तो एक्सेप्टर एटम इसलिए इन्हें बोला जाता है क्योंकि उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो वहां जाके उस होल को कवर कर सके। तो स्टूडेंट दिस इज इट फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, और आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।